क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान दें, सब्जेक्ट बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपका चैप्टर था पुष्पी पादपों की आकार की में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसको आप देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सम इम्पोर्टेंस फैक्ट, जैसे पुष्प फार्मूला जिसे पुष्प सूत्र कहते हैं, किसी पुष्प के लक्षणों को लिखने की एक सुविधाजनक विधि है। पुष्प सूत्र में पुष्प के लक्षणों को संकेत से दर्शाया जाता है, सिंबल से दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, पुष्प के कुछ प्रारूपी लक्षणों को दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह एवं उनका क्रम निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट है आपका, पुष्प आरेख पुष्प की अनुप्रस्थ काट का ऐसा चित्रण है जो पुष्पांगों की विशेषताओं, उनके परस्पर संबंध तथा सममित का वर्णन आलेखी रूप में करता है। चौथा पॉइंट आपका है, पुष्प आरेख सदैव वृत्ताकार होते हैं। पुष्प की सममित में अंतर को विभिन्न पुष्पांगों के अमाप व आकार की भिन्नताओं से दर्शाया जाता है। पांचवा पॉइंट आपका है, पुष्प आरेख में विभिन्न पुष्प चक्रों को संकेंद्रीय वृत्तों में दर्शाया जाता है, अतः बाह्य दल को सबसे बाहर तत्पश्चात दल पुंकेश्वर और सबसे भीतर की ओर अंडक को दर्शाते हैं। इस प्रकार छठवां पॉइंट है आपका, पुष्प आरेख के ऊपर एक छोटा वृत्त बनाकर मात्र अक्ष मदर एक्सिस को दर्शाया जाता है। सातवां पॉइंट है सहपत्र ब्रेक, यदि उपस्थित हो तो उसे मात्र अक्ष को सम्मुख बाह्य दलों के वृत्त के बाहर तथा सह पत्रिकाएं यदि उपस्थित हो तो उन्हें बाह्य दलों के बाहर पार्श्व में दर्शाया जाता है। सातवां पॉइंट है, यदि पुष्प त्रिज्या सममित हो तो मात्र अक्ष एक्टिनोमार्फी जो प्लस के द्वारा दर्शाया गया है चिन्ह द्वारा, और यदि पुष्प एक व्यास सममित जाइगोमार्फिक हो तो उसे प्रतिशत चिन्ह से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए थे आपके लेसन जो पुष्पी पादप की आकार की चल रहा था, इसी में कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे, प्रश्न थे। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको आप अभी देखें। आठवां पॉइंट आपका है, दलों को भी बाह्य दलों की तरह दूसरे वृत्त में दर्शाया जाता है, दल बाह्य दलों के साथ एकांतर स्थिति में होते हैं। नौवां पॉइंट है, पुंकेसरों को प्राग कोषों की अनुप्रस्थ काट द्वारा दर्शाया जाता है, पुंकेसर दलों से एकांतर स्थित पर होते हैं। टेन पॉइंट है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट से जायांग को दर्शाया जाता है, अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या एवं बीजांड सम सरलता से दर्शाया जाता है। टेन पॉइंट है आपका, सोलेनेसी कुल के पुष्प के अंडाशय में तिरछे पट की ओर फूला हुआ बीजांडसन विभेदक लक्षण है। अगला पॉइंट है आपका, फिबेसी कुल के तीनों उपकुलों पैपिलियोनिएटी सेजय लिपियोनुएडी एवं मिमोसाइडी मतलब को उनके पुष्पीय लक्षणों कुरुला व पुंकेश्वर के आधार पर विभेदित किया जाता है। अगला पॉइंट है, लिलियेसी कुल में पुष्प क्रम समानता सरल एवं शाखित असीमाच रेशी में होता है, परंतु एलियम मतलब प्याज में पुष्प क्रम पुष्प छत्र होता है। अगला पॉइंट है, फैबिएसी कुल के कुछ सदस्यों में पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों के ऊपरी प्रणक प्रतान में रूपांतरित होते हैं। एग्जाम्पल पाइजम सेटाइवम।
अगला पॉइंट है फिबेसी अथवा पैपिलोनियेसी कुल के सभी सदस्यों को जड़ों में बीजाणु जीवाणुजक ग्रंथियां, सॉरी जड़ों में जीवाणुज ग्रंथियां बैक्टीरियल नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें उपस्थित जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला पॉइंट है पाइजम सेटाइप में मटर के दलपुंज में वेक्सिलरी विन्यास तथा पैपिलियोनियेसी स्थित मिलती है। इनका फल फली या लेग्यूम होता है। अगला पॉइंट है धतूरा में द्विअंडफी जायांग होता है परंतु कूट पट के कारण चतुष्कोष्ठी स्थित मिलती है। लास्ट पॉइंट है लिलियेसी कुल के पौधे जैसे प्याज व प्याजी में तृतीय पुष्प मिलता है। थैंक यू।